हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस है ना। तो अभी आप लोगों ने अय्यूब का ग्रंथ को पढ़ा, सही सही है ना। हमने अय्यूब के ग्रंथ को पढ़ा और एक चीज़ हमको इसमें जो हमने पढ़ा है, ठीक है, और इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, क्या अभी तक में हमको समझ में आया कि अय्यूब धर्मी व्यक्ति था, ठीक है, यानी ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था, सही है सही है सही है। और उसके साथ में जो कुछ भी हुआ है ना, तो इसका जिम्मेवार कौन हुआ? हालेलुया हालेलुया। कौन है इसका जिम्मेवार? उसके बच्चे मारे गए, तो कौन था इसका कारण? क्या शैतान ने वैसा किया? क्या परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए दिया? नहीं। क्या अय्यूब ने खुद इसका जिम्मेवार है? क्या बोलते हैं आप? अय्यूब जिम्मेदार। आपको क्या लगता है? हमको ईश्वर ही उसका, यानी ईश्वर उसका परीक्षा लिया, शैतान तो परीक्षा लिया, परीक्षा लिया, तो ईश्वर भी बोला कि इसका भी परीक्षा लो। क्या बोलता है? उसका प्राण भर मत लो, प्राण भर मत लो, लेकिन बाकी सब चीज कर दो, उसका बच्चे बच्चे सब उड़ा दो। तो आप लोग ऐसा ईश्वर का प्रार्थना क्यों करते हो फिर, जो मेरा बच्चा कोई उड़ा ले? सही बोलो, क्या हम ऐसे परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं जो मेरा सब चीज छीन ले और मेरा बच्चा भी छीन ले? है, करेंगे ऐसा? नहीं करेंगे, लेकिन कारण अय्यूब था। हाँ, वो तो पहुँचेंगे अभी धीरे से कि क्या कारण था, क्या परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए परमिशन दिया शैतान को कि तुम जाओ ऐसा करो, या शैतान अपने से किया, या अय्यूब उसका कारण था? हमने पढ़ा कि अय्यूब धर्मी व्यक्ति था, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। तो क्या इसका कारण क्या बोलते हैं ये था कि क्या बोलते हैं परमेश्वर ने उसको परमिशन दिया? हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। है सवाल उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? उठ रहा है ना। हाँ। कि बाइबल में तो ऐसे ही लिखा है ना, लेकिन हम इसको समझ कैसा रहे? अच्छा, यहाँ पे 22वां वचन में देखते हैं, 22वां नहीं 21वां वचन में, ठीक है, 21वां वचन बोलता है, अय्यूब बोलता है कि मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला। सत्य है, सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है, सच्चाई है। और नंगा ही इस पृथ्वी से वापस लौट जाऊंगा, ये भी सही है, सही है। हाँ, प्रभु ने दिया था, ये भी सही है, और प्रभु ने ले लिया, ये भी सही है। नहीं, ये गलत। प्रभु ने दिया, प्रभु जो चीज देता है वो लेता नहीं, नहीं है। अब अय्यूब धर्मी है तो क्या वो हर बात जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है? कोई आदमी धर्मी है ना, तो क्या वो हर बात जो बोल रहा है वो सही है? नहीं है। हो सकता है सही? हाँ, नहीं भी हो सकता है वो सही ना बोले। हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ, तो क्या वो हर समय सही हो सकता है क्या? नहीं। अब हम यहाँ पे आए हैं तो क्या हम हर समय सही हो सकते हैं क्या? नहीं। अगर हम इसके अनुसार हैं तो सही हैं, और इसके अनुसार नहीं हैं तो हम सही नहीं हैं। यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार हम नहीं बोलते हैं मतलब हम गलत हैं, चाहे हम कोई भी हों, कोई भी हो, कितना बड़ा हम प्रीचर पास्टर कहे ना हो, अगर हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में बोलते हैं तो हम गलत हैं। और यहाँ अय्यूब जो बोल रहा है कि प्रभु ने दिया था, सही है, प्रभु ने ले लिया, तो कोई धर्मी व्यक्ति क्या गलती नहीं कर सकता है? कर सकता है। उसका टाइटल, उसका उपाधि उसको सही रख सकता है क्या? नहीं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही उसको सही रखता है। अब अय्यूब क्या बोलता है? परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर देने वाला है, लेने वाला नहीं।
हालेलुया। आया समझ में यहाँ तक बात? आया। अब हम लोग चलते हैं एक लाइन से शुरू से पढ़ने का, ठीक है? थोड़ा नहीं समझ में आया। हाँ, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया लिया, ये तो अय्यूब बोला, बाइबल नहीं बोलती है। लेकिन यहाँ पे क्यों लिखा है? लिखा इसी चीज को तो सिखा रहा है परमेश्वर। हाँ, इसी चीज को बता रहा है कि हर वो व्यक्ति, देखिए एक बार हम उदाहरण दे रहे हैं कि पौलुस जब यीशु के साथ में रहते थे लोग सब चेले, ठीक है, तो यीशु बोलता है कि बताओ मेरा बारे में ये लोग क्या बोलते हैं, सही है? तो कोई बोलता है आप एलिया हो, आप कोई नबी में से एक हो, आप योहन जो मर गया था जी उठा है, ऐसे ऐसे सब कोई बोले। तो पेत्रुस को बोला तुम क्या बोलते हो? तो पेत्रुस क्या बोला? आप ईश्वर के पुत्र हैं, यही ना बोला, जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं बोला, है ना? यीशु क्या बोला? क्या बोला पेत्रुस? तुम ठीक ही कहता है ना, और ये तुमको किसी ने नहीं बताया, पिता परमेश्वर ने तुम पर प्रकट किया है, ये बोला है। हालेलुया, यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है, ठीक है। अब अगले ही पल वो क्या बोलता है, यीशु बोलता है कि अब मैं यहाँ से जाऊँगा तो यरूशलेम में जाऊँगा तो राजा और शासक हमको पकड़ लेंगे और हमको क्रूस पर ठोक देंगे, बोला। तो पेत्रुस क्या बोला? नहीं 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 नहीं, वहाँ पे पेत्रुस बोला ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होने दूंगा, है ना, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रभु? ऐसा मैं नहीं हूँ। अच्छा, वचन ही निकाल लीजिए, मत्ती 20 प्लेस लो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। निकालना इसको, आ रहा है ना समझ में? मत्ती का एक मिनट में बता दे रहा हूँ। ये सॉरी 16 का आप 21 से 20 छोड़ दीजिए, 21 उल्टा मैं बोला था, 21 में पढ़िए, 21 से सुनिए। अच्छा नहीं, उसको भी तो जानना पड़ेगा ना, तो आप 16 का 13 से पढ़िए, 16 का 13 से पढ़िए और पूरा आखिरी तक जाइएगा, 13 से लेकर के 23 तक पढ़िए पढ़िए। 16 का 13 से 23। हाँ, 13 से ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यरेमियस अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्ग के पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य का कुंजियां प्रदान करूंगा, तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी,
कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेत्रुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे प्रभु, यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेत्रुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। आमेन। हालेलुया। 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 एक टाइम यीशु पतरस को क्या बोलता है, तुम पतरस चट्टान हो बोलता है। सही है? सही है, है ना। उसके लिए परमेश्वर ने, यीशु ने क्या दिया, दिया ना। और दूसरे ही पल जैसे ही वो अपना बात को परमेश्वर के शब्द के विरुद्ध किया, क्या बोला यीशु उसको, हट जा शैतान। हालेलुया। हालेलुया। तो कोई भी व्यक्ति अगर वो कितना बड़ा क्या बोलते हैं सेवक हो, पास्टर हो, फादर हो, कोई भी हो, क्या उससे गलती नहीं हो सकती? हो सकती। उपाधि टाइटल उसको नहीं बचाता है जब तक वो परमेश्वर के वचन के साथ में नहीं है, तो है ना। अगर वो वचन के साथ में है, सही है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो अय्यूब बोलता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, सही बोला, लेकिन परमेश्वर ने लिया, गलत, क्लियर है। नहीं तो कौन लिया फिर? हाँ, आप पहुंचेंगे उधर। यहाँ तो समझ में आया कि वो जो बोल रहा था वो गलत बोल रहा था, ठीक है, गलत ही बोला ना। हाँ। वो धर्मी था, मानते हैं, लेकिन क्या उनसे गलती नहीं हो सकती? हो सकती। अच्छा, हर वो व्यक्ति, हर कोई जो अगर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोलता, वो गलत है, उसका टाइटल, उसका उपाधि उसको नहीं बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब चलते हैं हम लोग। हाँ, जैसे किसी का मृत्यु हो जाता है, हाँ, तो उस समय मैं खुद कह देता हूँ कि आपने दिया था, आपने नहीं दिया, ये मतलब मृत्यु का मृत्यु के लिए नहीं, ये आप ने अपना जो करता हूँ वो गलत। देखिए 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 देखिए, एक बात हम बता रहे हैं कि आप वो तो खत्म हुआ, उसके बाद आप बोल रहे हो ना, उसके बाद ना आप बोल रहे हो। देखिए, एक बात को समझिएगा कि आप जो कुछ भी आप किस सेंस से उसके लिए बोल रहे हो, सबसे पहला चीज ईश्वर ने उसको दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी अच्छा अच्छा, अभी अभी उसी को अय्यूब में जोड़ देते हैं, ठीक है। अय्यूब बोलता है कि मेरा बच्चा लोग भी सबको ले लिया, ठीक है, तो वही बोल रहा है अय्यूब, बोल रहा है कि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया। लेकिन अब हम लोग बोलते हैं कि क्या परमेश्वर ने लिया, अब इसको हम लोग पहुंचते हैं पॉइंट में, ठीक है। हालेलुया, है ना। अय्यूब भी तो वही बात बोला ना, वही बात बोला ना कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। तो अब भैया, परमेश्वर ने बच्चों को लिया कि कौन बच्चों को उसके लिए, इसको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्या था, हम लोग कहाँ पे थे, अध्याय एक पद संख्या, अंशु Let's go. एक पेन पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? नहीं पकड़ा है। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही जन नहीं, नहीं नहीं लिखना है आप लोगों को। पहले पहुंचते हैं अय्यूब के चैप्टर में, है ना। हाँ, वही जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे, एक। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ठीक है, तो ये भी लिख लेना ताकि ये भी पता चले कि प्रभु कितना नियमित है ना, ठीक है। तो क्या बोलता है कि बहुत
धर्मी व्यक्ति था, निर्दोष था, निष्कपट था और ईश्वर पर श्रद्धा रखता था और बुराई से दूर रहता था। तो उसके 7 पुत्र लिख लो, 7 पुत्र और कितना लिखा है, 3 पुत्रियां। ठीक है, अब उसके पास क्या क्या धन दौलत वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या था, क्या क्या शैतान ने उसको लूटा, लूट लिया। नहीं अभी तो ये है कि परमेश्वर ने लूटा कि शैतान ने लूटा, ये पहले देखना पड़ेगा। हाँ ले लिया। तो ठीक है, उसके पास 7,000 भेड़े लिख लो, 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट, 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट, फिर 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से माकर चाकर। इतना अय्यूब के पास में उस समय में था, वो धनी व्यक्ति था उस देश में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, है ना। अब आगे बताता है कि वो उसके जो बेटे बेटियां थे, है ना, वो लोग भोज का क्रम रखते थे, कभी उसके घर में, कभी उसके घर में, कभी उसके घर में। ठीक है, और वहाँ होता था पार्टी। ठीक है, पार्टी होता था ना, पार्टी उटी करते हैं आप लोग, करते हैं, है ना, कितने लोग करते हैं, करते हैं, कभी उसके यहाँ, कभी उसके। ठीक है, तो ये जो अय्यूब है, अपने बच्चों को तो शिक्षा दिया होगा, अच्छा शिक्षा दिया होगा, दिया कि नहीं दिया, दिया है। उतना पैसे वाला था, पढ़ाया लिखाया होगा, हैं, उस समय में अच्छा पढ़ा लिखे होंगे वो लोग। ठीक है, और ये जब एक जगह मिलते हैं, पार्टी वार्टी होता है, जहाँ जो कुछ भी वो लोग कर रहे हैं, तो अय्यूब को क्या लगता था, अय्यूब को लगता था कि हालेलुया, हालेलुया, कि कहीं इनसे कोई पाप तो नहीं हो रहा है, शंका नहीं। देखिए, जो पढ़े, देखिए, अगर आदमी पढ़ा लिखा रहता है, नशा करता है, तो नशे के बाद में वो क्या बोल रहा जानता है क्या, नहीं जानता। हो सकता है कि वो ईश्वर की निंदा कर रहा है, ऐसा वचन में बता रहा है। अय्यूब को ये लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की निंदा कर रहे करते होंगे ये लोग। तो ये क्या करता है, अय्यूब क्या करता है, आगे वचन में क्या बताता है, बोलता है कि जब भोजों का एक चक्र समाप्त हो जाता था तो अय्यूब उनको बुलाकर उनकी शुद्धि करवाता, यानी कि उनको शुद्ध करता, है ना, कि तुमने जो पाप वाप किया है इससे तुम शुद्ध हो। उसके लिए वो क्या करता था, बलि चढ़ाता था। हालेलुया, हम लोग भी हर संडे जाते हैं, जाते कि नहीं जाते, चर्च जाते हैं, शुद्ध होने जाते हैं। हालेलुया, ठीक है, तो ये अय्यूब करता था। ठीक है, अब आगे वचन बताता है, क्योंकि अय्यूब यह सोचता था कि संभव है मेरे लड़कों ने कोई पाप किया, उसको लगता था कि हो सकता है कि मेरे बच्चे पाप किए होंगे, तो इसलिए हमको ये करना है। ठीक है, और क्या बोलता है, मन ही मन कहीं ईश्वर की निंदा की हो, इसलिए अय्यूब हर बार ऐसा किया करता था। ठीक है, फिर आगे बताता है वचन में कि एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे स्वर्ग, स्वर्ग में कौन आ गया, स्वर्गदूत को जब बुलाए पिता परमेश्वर, वहाँ स्वर्गदूत लोग इकट्ठे थे, तो वहाँ कौन आया, शैतान आया। अब एक चीज समझ लो, शैतान कहाँ नहीं आ सकता, आप बताओ, हर जगह आत्मा है, हर जगह आ सकता है, हाँ। है ना, सही है, सही है, कहीं पर भी जा सकता है, जब स्वर्ग जगह पहुँच सकता है तो मतलब वो कहीं पर भी आ सकता है। हम चर्च में बैठे, यहाँ है, आ सकता है, आ सकता नहीं है, है, सबसे पहले पहुंचा, वो सबसे पहले, आप लोग उसको नहीं जानोगे, लेकिन वो बहुत इस वचन को, बहुत अहमियत को वो जानता है, वो जानता है, आप नहीं जानोगे, लेकिन वो जानता है कि अगर इसको आपने जान लिया तो आप उसके ईश्वर के राज्य में प्रवेश करते, इसको अगर आपने जाना तो। और ये शैतान जानता है, आप भले ही नहीं जान रहे, आप भले ही इस चीज को आप अवॉइड करते हो, है ना, इस पर ध्यान नहीं देते हो, लेकिन वो जानता है इसका कीमत, इसका क्या ये है। और वो बैठेगा यहाँ पे, आपका इर्द गिर्द बगल में ही रहेगा और आपको यही बताएगा, आपको क्या बोलते हैं, आपका ध्यान भटकाएगा, आपका मन में थॉट्स देगा, है ना, आप भले यहाँ बैठे हो लेकिन आपका मन कहीं पर भी जा सकता है।
जा सकते कि नहीं जा सकते? जा सकते। आप यहाँ बैठे हो लेकिन आपका मन खेत में भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। ये है सर, हालेलुया। तो वो कहीं पर भी हो सकता है। तो कभी ऐसा सोचना मत कि हम यहाँ पर हैं तो शैतान यहाँ दूर है। शैतान हर जगह पहुँचता है, जहाँ ईश्वर का शब्द है वहाँ तो डेफिनेटली पहुँचता है। अभी यहाँ पे है, नो डाउट। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो फिर वहाँ पे परमेश्वर जान जाता है कि ये कौन है, शैतान। वो स्वर्गदूतों के साथ था, स्वर्गदूत उनको नहीं पहचान देते, मे भी है कि नहीं? शैतान नहीं पहचान, स्वर्गदूत लोग नहीं पहचानते, लेकिन परमेश्वर पहचान दिया। तो देखो, सोचो वो किस रूप में रहता है कि स्वर्गदूत उसको नहीं पहचान देंगे लेकिन परमेश्वर उसको पहचान दिया। तुम कहाँ से आए हो भाई? हालेलुया। क्या बोलता है, कहाँ से तुम आए हो? तब वो क्या बताता है कि मैं पूरा पृथ्वी का एक चक्कर लगा के आया हूँ, यही ना बोला शैतान? तो परमेश्वर क्या बोलता है, वहाँ तुम अय्यूब को देखे, पृथ्वी का एक चक्कर काट के आए हो, अय्यूब को देखे, वो मेरा सेवक है ना, पृथ्वी में उसके जैसा कोई नहीं है, बोलता है परमेश्वर, बताता है वो निर्दोष है, निष्कपट है ना, और ईश्वर पर श्रद्धा रखता है और बुराई से दूर रहता है। तब शैतान क्या बोलता है, शैतान बोलता है क्या अय्यूब ऐसे ही तुम्हारे ऊपर में विश्वास भरोसा रखता है, कि इसीलिए तुम्हारे ऊपर श्रद्धा रखता है क्योंकि तुम उसको सब चीज़ दे दिए हो, सब सुख सुविधा उसके पास में है, अभी छीन लो, अभी तुम्हारे मुंह पे वो बुराई करना शुरू करेगा। यही बात हुआ, सही है? यहाँ तक कि उसने ये भी बोला कि क्या आपने उसके उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगा कर उसे सुरक्षित नहीं रखा है? हालेलुया। तो आपने उसके सब कार्यों को आशीर्वाद दिया है ना, उसके झुंड पूरे देश में फैले हुए हैं। ये सब कुछ अभी शैतान बोल रहा है, ठीक है ना। अब बोलता है कि क्या आप हाथ बढ़ाकर उसकी संपत्ति को छीन लें तो वह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेंगे। ये कौन बोला है, शैतान बोल रहा है। तो प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा तो क्या बोलता है, उसका सब कुछ तुम्हारे हाथ में है किंतु अय्यूब पर हाथ मत लगाना, ठीक है। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया। हालेलुया। तो यहाँ तक आप लोगों ने सुना, तो क्या परमेश्वर ने शैतान को परमिशन दिया? दिया। और कोई परीक्षा लेने के लिए परमिशन दिया, परीक्षा लेने के लिए परमिशन दिया कि तुम जाओ और अय्यूब का बच्चों को निपटाओ, उसका धन संपत्ति सब उड़ा दो और उसका जो करना है तुम कर लो, लेकिन अय्यूब को छोड़ दो। तो क्या परमेश्वर ने ऐसा उसको परमिशन दिया है? दिया। परमेश्वर ने परमिशन दिया कि कुछ और कारण था? इसमें तो डायरेक्ट दिखता है परमिशन दिया। हालेलुया, हालेलुया। यही दिखता है कि परमेश्वर ने परमिशन दिया कि जाओ तुम अय्यूब के साथ में ये कर लो। आप लोग पढ़ रहे हो जैसा, उसके अनुसार आप लोग बोल रहे हो। लेकिन हम बोलते हैं कि अगर परमेश्वर अगर हमारी बुराई चाहता है या हमसे बुरा करता है तो फिर हम उस परमेश्वर का स्तुति आराधना क्यों करें? हम करोगे? आप लोग ऐसा देख रहे हैं। हालेलुया, उलझ गए, उलझ गए, उलझ गए। करेंगे? हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहां बोलता है एक जगह इस चीज को गौर कीजिएगा, वो बोलता है क्या आपने उसके उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा है? शैतान बोल रहा है, परमेश्वर नहीं बोल रहा है, शैतान बोल रहा है, ठीक है।
तो ये जो शैतान उसको बोल रहा है, परमेश्वर को बोल रहा है कि तुमने वहां पे घेरा किया है जिसके वजह से हम अंदर नहीं हो पा रहे। सही है, सही है ना। सही। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जीवन और मृत्यु किसके अधीन है? आप लोग जानते हैं, मतलब नहीं, जो नहीं जानता है आप लोग। जीवन और मृत्यु किसके अधीन है? प्रभु के हाथ में हाँ है, हाँ ईश्वर के हाथ में। ईश्वर के हाथ में। और बोलिए बोलिए, देख गलत चाहे, हाँ ईश्वर के हाथ में, यानी ईश्वर जीवन देता, ईश्वर ही जीवन ले लेता, ऐसा है, यही सोचते अभी तक तो हम यही सोच रहे हैं। चलिए ठीक है। और अपने उराव में गाना भी गाते हैं, हाँ नीनी चिचके नीनी मुचके निगे होमा मना ने जाने, अच्छा मतलब आखिरी दिए आप ही लिए, हाँ आपकी बड़ाई हो। भैया ये गाना थोड़ा सावधान से गाइएगा, देख लीजिएगा परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं। नहीं आप लोग इधर जो गाते हैं उसको भी हाँ नहीं ठीक है। नहीं, नहीं 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 मैं तो एक बात के बाद बता रहा हूँ। तो आप लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, या मेरे का मतलब है कि परमेश्वर के हाथ में ही हमारा जीवन और मृत्यु है, ये बोल रहे आप। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 निकालेंगे पहले। हाँ हाँ निकलेंगे, आप ही पढ़िएगा। सुक्ति ग्रंथ, अच्छा नहीं दिखता है, अच्छा आप पढ़िए, आप पढ़िए। सुक्ति अध्याय 18 पद संख्या 21। अठारह का 21 पुराना है ना, स्तोत्र के बाद वाला है, पहले है ना, 18 का 21। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य, आप लोग भी बोलिए साथ में, आप लोग भी बोलिए, जीवन और मृत्यु दोनों दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा, उसका फल प्राप्त। एक बार और, हाँ एक बार और। जीवन और मृत्यु दोनों दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है, अधीन है, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा अब बताइए जीवन और मृत्यु किसके अधीन है? किसके अधीन है? किसके अधीन है? अभी तो पढ़े, किसके अधीन है? मनुष्य के जीव के, मनुष्य के जीव के, मतलब आपके जीव के कि पड़ोसी वाले के जीव के अधीन है, अपने अपने जीव के अधीन है। सही है, सही है। और क्या बोलता है? तुम इसका सदुपयोग करोगे तो तुम उसका फल पाओगे, मतलब अगर जीवन का फल तुमको चाहिए तो जीवन का शब्द तुमको बोलना पड़ेगा, तब आपको जीवन। और अगर आपने मृत्यु के शब्द बोले तो याद रखिए आपने जो बोला है वो आपको मिलेगा। ये नियम है, ये परमेश्वर ने दिया है ये बना के। और यहां पर इसी चीज को बात को बताने जा रहा हूं कि अय्यूब जो प्रार्थना कर रहा था, जो बलि वो चढ़ा रहा था, उसमें वो जो प्रार्थना कर रहा था, क्या वो प्रार्थना सही था? यस शंका कि मेरे बच्चे कहीं पाप तो नहीं किए, उसके लिए वो क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। लेकिन वो प्रार्थना क्या विश्वास का प्रार्थना था कि डर का प्रार्थना? डर का। अब तुम बोगे डर और खोजोगे कि हमको अच्छा बीज मिले, जीवन मिले, तो मिलेगा नहीं? मिलेगा भाई। आप लोग खेती बाड़ी करते हो ना,
करते हो नहीं करते, करते धान लगाते तो गेहूं मिलता है क्या? नहीं, धान ही ना मिलता है। तो ठीक वैसे ही अगर तुम जीवन के शब्द मुंह से बोलते हो तो जीवन मिलेगा, और मृत्यु का शब्द बोलोगे तो मृत्यु मिलेगा। वो बलि प्रार्थना सब कुछ करता था, लेकिन वो क्या करता था? डर से करता था। वो डर की प्रार्थना करता था, विश्वास का प्रार्थना नहीं करता था। आया समझ में? तो उसने जो कुछ भी कर रहा था, पर देखिए जब वो विश्वास का प्रार्थना करता था तो उसके सामने एक आवरण बन जाता था, यानी उसका घेरा लग जाता था। समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हैं, है ना? लेकिन बात जहां उसकी बेटी बेटियों का आता था, उसका विश्वास डगमगा जाता था। ऐसा होता है आप लोगों को? ऐसा होता है। देखिए आप अपना विश्वास में मजबूत हैं, आप स्ट्रोंग हैं, लेकिन जहां आपका बेटा और बेटी का बात आता है आप कमजोर हो जाते हैं। वहीं पे आपका मुंह से गलत शब्द निकलना शुरू होता है, डर का शब्द निकलना शुरू होता है, चिंता का शब्द निकलना शुरू हो जाता है, और वो शब्द खाली नहीं जाएगा, वो शब्द आपके लिए वही चीज ला के देगा। तो उसके लिए कैसे करना पड़ेगा बताइए? उसके लिए यही है कि हमको जीवन का शब्द बोलना है किसी भी परिस्थिति में। और नहीं बोल पाते हैं तो मुंह बंद रखो, जैसे मां मरिया करती थी। मां मरिया मुंह को बंद रखती थी, जहां वो उनके चीजें विरुद्ध होती थी लेकिन वो मुंह नहीं खोलती थी। आपको क्या लगता है कि उसका बेटे को जब मारा जा रहा था तो क्या वो उसका मुंह नहीं खुल सकता था? खुल सकता था। हम लोग तो कितना झगड़ देते हैं, झगड़ देते हैं, लेकिन वो जानती थी क्योंकि उसने अपने बेटे को वो शिक्षा दी थी। हालेलुया। और प्रभु यीशु उस शिक्षा को सीखा यहाँ पृथ्वी में आकर के, वहां से लेकर के नहीं आया था, वो मनुष्य बन के आया था यहाँ और यहीं पे सब कुछ सीखा और किया, और वही चीज अभी हम लोग को भी करना है। हालेलुया। तो अय्यूब जो प्रार्थना करता था वो घेरा लगता था जरूर, है ना, लेकिन अपना शक और अपना डर के कारण वो उसके लिए दरवाजा ओपन कर देता था। अब बताइए कि परमेश्वर ने उसको परमिशन दिया था? है? परमेश्वर ने उसको दिया था परमिशन? अपना शक, उसका अपना शक, अपना शक जो था वही उसको क्या कर दिया? उसको उसके विश्वास को कमजोर कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। और उदाहरण इसके लिए दे सकते हैं तो सरल से सरल उदाहरण, और सरल उदाहरण अपने मुख में कैसे हम बदल जाते हैं, व्यक्ति को शब्द है जीवन और मृत्यु के शब्द को बता दे। देखिए यहाँ पर एक चीज हम लोग को सीखने को मिलता है कि ये जो अय्यूब था, है ना, अय्यूब वो विश्वास का प्रार्थना जब वो करता था, लेकिन जब बारी अपने बेटे और बेटियों की आती थी उसका विश्वास कमजोर हो जाता था, है ना। कोई भी इंसान के साथ में साथ भी ऐसे होता है, होता है नहीं? देखिए जिसके साथ में समस्या या प्रॉब्लम जाता है, जो हॉट सीट में बैठता है यानी जो समस्या में रहता है, वही उस चीज को जानता है ना। दूसरा को क्या लगेगा? अब हम यहाँ पे मुंह से बोल रहे हैं मेरे साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम बोलेंगे तो हमको कोई फर्क पड़ेगा? हमको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उस परिस्थिति को झेल रहा है उसके लिए तो दिक्कत है, वही ना जान रहा है उस समय के ये को। तो ये जीवन का शब्द और मृत्यु का शब्द क्या है? जीवन का शब्द जो परमेश्वर का शब्द हमको मिला है, मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। परमेश्वर ने हमको अपना शब्द दिया, ये वचन है ना, ये उसने अपना शब्द हमको दिया है अपना। सोचिए समझिए इस बात को कि हम जो कुछ भी बोले किससे बोले, है ना, लेकिन हम किसकी बात को बोलते हैं? संसार का बात बोलते हैं, संसार का बात बोलते हैं। संसार का बात कोई लिखित मिलता है हम लोग को? फिर भी हम लोग विश्वास करते हैं और बोलते हैं संसार का बात। अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और तुरंत हम विश्वास, डॉक्टर बोल दिया तुमको ये है, ये है, ये है, फलना दिन में तुम खत्म,
तो उसमें आप क्या कर लिए, विश्वास कर लिए। और प्रभु का वचन बोलता है 1 पीटर 2:24 कि तुम उसके घावों के द्वारा भले चंगे हो गए, तुम विश्वास नहीं करते हो। हालेलुया। तो हमको किसके ऊपर में विश्वास करना है? परमेश्वर के वचन में। वचन में, और इसी के अनुसार हमको अपना शब्द बोलना है। अय्यूब बलि करता था, बलि चढ़ाता था, सब चीज करता था, लेकिन वो एक और डर था, भय था, है ना, जिसके कारण शैतान एंट्री मारा। परमेश्वर ने कभी, वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए मरा फिर जी उठा। वो कैसे आप सोच सकते हैं कि वो हमको तकलीफ देता है? आप कैसे सोच सकते हैं कि वो हमारे बच्चों को निगल जाएगा? आप कैसे सोच सकते हैं कि वो हमको तकलीफ में रखा है? वो खुश होगा क्या कि आप तकलीफ में रहोगे? तो नहीं, हम इसलिए नहीं जानते क्योंकि हम उसका वचन को नहीं जानते हैं। इस कारण हम उस पर क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं। प्रभु इतना साल से हम विनती प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है। सही है। होता है ना, होता है। सालों साल प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन मेरा प्रार्थना का सुनवाई नहीं हो रहा है। भाई आप प्रार्थना कर रहे हो सही है, लेकिन उस प्रार्थना में विश्वास कहाँ है? विश्वास हमारा गलत है। विश्वास हम किससे कर रहे हैं? आंख से देख के, कान से सुन के, मुंह से बोल के, ये ना, विश्वास नहीं हो पाता है उसके कारण वैसा होता है। तो विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम अपने विश्वास को नहीं बढ़ा। यीशु का बोलता है, राई के दाने के बराबर तुम्हारा विश्वास है, और इस पहाड़ को बोलो पीछे घसक जा तो वो घसक जाता है। अब राय का दाना का बराबर विश्वास नहीं मिला है आप लोग को? मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। सबको बराबर मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। हाँ, कमजोर है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाओगे कैसे? वो भी परमेश्वर ने आपको ये बता दिया उपाय। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 पेज नंबर आप लोग जाइएगा नए विधान में 244। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं आया हूँ और क्या बोलते हैं आपके लिए मैं प्रार्थना करूँगा आप चंगे हो जाओगे, या आपका समस्या है उसको मैं दूर कर दूँगा। नहीं, मैं आपको इसलिए आया हूँ कि आपको वो मैं तरीका जो है, जो परमेश्वर ने हमको दिया है, आप उसको जान लेते हो तो आप अपना जीवन को बदलते हो और पड़ोस के जीवन को भी, लोगों के जीवन को बदलते हो। तो क्या अच्छा है, आप खुद करो या मैं करूँ? खुद से करना सही है कि नहीं? हालेलुया। पढ़िए अध्याय 10 पद संख्या 17 क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 244 नया विधान में। इस प्रकार हम देखते हैं, हाँ बोलिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने में से विश्वास कि सुनने में विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है, वह मसीह का वचन है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तरीका भी मिल गया कि तुम्हारे पास अगर विश्वास इतना है और तुमको इतना करना है तो तुमको क्या करना है, वचन को सुनना है, प्रीचिंग को सुनना है। आप जितना सुनोगे उतना आप विश्वास से बढ़ते जाओगे, और जब आपका विश्वास बढ़ता है ना, तब आप कार्य, हर वो कार्य जो परमेश्वर ने आपको जो प्रॉमिस दिया है, हर वो कार्य पूरा होता है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अय्यूब से यहाँ गलतियां हो रही थी कि नहीं हो रही थी? अय्यूब क्या करता था? डर का प्रार्थना, है ना। हम लोग कौन सा प्रार्थना करते हैं? डर का कि विश्वास का? डर ही करते हैं। हम लोग भी डर करते हैं, जिसके कारण से हम आज तक शैतान हमको
पिटते आए है ना, है कि नहीं है। अब हमको करना क्या, कैसा प्रार्थना? विश्वास का। अब विश्वास का प्रार्थना किससे होता है? वचन से। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर। अब वचन से हमको प्रार्थना करना है तो वचन को हमको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए हमको सुनना पड़ेगा, और उस सुनने से विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। यहाँ तो कोई ये था सवाल था जो नहीं समझ में आया? आपका जवाब मिला ना? वो वाला मिला ना? परमेश्वर देने वाला, लेने वाला नहीं। इसको आयुब बोला था, हमको बोलना नहीं है। नहीं, कोई भी आदमी बोला, यही तो बाइबल सिखा रहा है। बाइबल जो है आपको जानना है कि कौन सा वर्ड हमको परमेश्वर ने दिया। कि अय्यूब बोला, परमेश्वर थोड़ी बोला कि हम दिया हम ले लिए, ऐसा बोला क्या परमेश्वर? नहीं बोला है परमेश्वर ने, नहीं बोला है। परमेश्वर तो बोलता है मैं देने वाला हूँ, आशीर्वाद दिया। शैतान को क्यों परमिशन दिया? परमिशन कहाँ दिया? परमिशन नहीं दिया है यहाँ पर। परमिशन उसने छोड़ देना, बाकी क्या बोले थे? वो तो देखिए आप नहीं समझ। अच्छा चलिए, जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 1:26 में जाइए। अभी मैं बताता हूँ, 1:26 में जाइए। हाँ, उत्पत्ति 1:26 में जाइए। अभी आप बोले कि परमिशन, परमिशन परमेश्वर ने नहीं दिया। नहीं तो एक जगह तो बोला ही है इसमें। नहीं अरे ब्रदर, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी इसको पढ़िए, रुको मैं इसको समझाता हूँ, तब आपको उससे क्लियर होगा। ठीक है, 1:26। ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे, वह हमारे सदृश्य हो, हमारे सदृश्य हो, वह, वह समुद्र की मछलियों, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों, और जमीन पर, जमीन पर रेंगने वाले, रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर, सब जीव जंतुओं पर शासन करे, शासन करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपको कैसा बनाया? अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में। कैसे अपना प्रतिरूप में बनाए? उसका भी दो आँख, कान, नाक, मुंह है, हम लोग जैसा है। सही में सही में वो हम लोग जैसा है। हम लोग का दो हाथ है, दो पैर है, हाँ। वाह, आप तो एकदम सही बोले। वो क्या है? आत्मा। आत्मा। मतलब हमको आत्मा में अपने जैसा बनाया। ठीक है, वो हमारे जैसा नहीं है, उसका शरीर नहीं, आत्मा है। ईश्वर एक आत्मा है, और हमको भी एक आत्मा मिला है। मिला है कि नहीं मिला? मिला है। रहता है कि नहीं रहता? साथ में रहता है, रहता है ना। और उसी आत्मा में हमको अपने जैसा बनाया है। क्लियर हो गया? क्लियर। तो आप कैसे हो, किसके जैसे हो? ईश्वर के जैसे, ईश्वर के जैसे, ईश्वर के जैसे हैं, लेकिन ईश्वर नहीं है। ठीक है, समझिएगा बात को। ठीक है, हम उसके जैसे हैं, उसके इमेज, उसके समरूपता में हैं, लेकिन ईश्वर नहीं है, याद रखिए। ठीक है, तो ये जो परमेश्वर जो है हमको अपना स्वरूप में बनाया, और आगे में लिखता है, वचन बताता है कि तुम इस संसार में हर जीव जंतु, मछली उछली, ऊपर चिड़िया पक्षी, सबके पे तुम क्या करो? अधिकार करो। उसने हमको बनाया और पूरा पावर हमको दे दिया। अब एक बात बताइए, आप बहन कहाँ रहते हो? बाहर। हाँ। बाहर रहते हो, ठीक है। तो आपने मान लीजिए कि एक घर खरीदा, ठीक है, पैसे दिए और आपने घर ले लिया, और आप उस घर में रहते हो। अब उसके बाद में उस घर का पुराना मालिक आता है और आपको बोलता है, ओए लाइट बंद कर, आपको बोलता है, आप क्या बोलोगे? उसकी बात मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? मेरा घर है, उस घर में मैं अपना हक जता रही हूँ। पहले तो उसका घर था। हाँ, हाँ। क्योंकि चूंकि मैंने उसको खरीद लिया। हाँ, तो अब घर किसका हुआ?
मेरे स्वयं का आपका घर हुआ। हाँ। अब वो आके बोलेंगे ये लाइट बंद करो, तो आप क्या बोलोगे, मानोगे उसकी बात? नहीं, आप बोलो ना चलो जाओ, मेरा घर है, मैं कुछ भी करूँ, मैं कुछ भी करूँ, सही है? सही है ना? सही है। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने आपको बनाया और ये पृथ्वी को बनाया और ये पृथ्वी में आपको रखा और बोला कि तुम सब में शासन करो। अब परमेश्वर वहाँ पे आपको दखलंदाजी नहीं करता, वो दे दिया, वो आपको दे दिया है। अब तुम जानो ये जो जीवन है उसका तरीका भी बता दिया कि तुमको कैसे जीना है। आपको वहाँ पे परमेश्वर इंटरफेयर नहीं करेगा, उसने आपको दे दिया है। क्या चीज नहीं करना? आपके ऊपर में, आपको मैं बताया ना, जीवन और मृत्यु आपके जीवा के अधीन है। आप मुंह से बोल करके, परमेश्वर ने ये संसार को कैसे बनाया? अच्छा छोड़ छोड़, पहाड़ देखे हो? देखे हैं। कैसे बना है? हाँ, कैसे बना है? कांच से बना है, चट्टानों से, चट्टान और मिट्टी और से भी। जंगल झाड़ है, पेड़ पौधा है और नदी भी है, नदी नाला सब है। आप लोग एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन ये फैक्ट है जो आप आंख से देखते हो, लेकिन अगर आप वचन से देखते हो, आत्मा से देखते हो, तो परमेश्वर ने ये सब कुछ बोल के बनाया। हाँ, सब यस, आया समझ में? क्या बोला? स्वर्ग और पृथ्वी बनाया ना, अंधकार था, क्या बोला? प्रकाश, प्रकाश हो जाए। तो बोल के बनाया ना, तो जो कुछ भी संसार में बनाया वो शब्द को बोल करके बनाया। अब आप भी ईश्वर के जैसे बनाए गए, तो आप भी कैसे बनाओगे अपने लिए संसार? बोल करके आप बोलते हो कभी? नहीं। आप क्या बोलते हो? जो आप आंख से देखते हो, इमेजिनेशन तुम करते हो, कल्पना करते हो, वैसा बोलते हो? नहीं। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? देखो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने उस सच्चाई को, सत्य को नहीं जान रहे, और जिसके कारण से आप अभी भी गलत धारणा में आप चल रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको ये पावर दिया है, ये सामर्थ दिया है, वो आपको स्पेशल बना के भेजा है। आप लोग वचन में पढ़िएगा, देखिएगा, है ना, कि तुम बहुत कीमती हो। वो हर एक का पाप का दंड का चुकता किया है, एक एक जनिया बैठा है सबके लिए, और तुम बोलते हो कि हमको सबको रिजेक्ट करता, मैं बहुत भद्दी दिखती हूँ, हमसे कोई प्यार नहीं करता है, ये आप बोलते हो। लेकिन प्रभु येसु ने आपका दंड का चुकता अपना पवित्र लहू को बहा करके दिया है, वो असहनीय मृत्यु को लेकर के आपको दिया है। लेकिन आप अपना जीवन को क्या कर रहे हो? बोल के बना रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। सही है, अपना उपयोग कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, लेकिन उस प्रार्थना में विश्वास नहीं। और वो विश्वास कौन वाला होना है? इसके अनुसार, वचन के अनुसार विश्वास। हाँ, अब वचन तुम नहीं जानते हो, है ना, तो आप विश्वास कर पाओगे? आप कैसा विश्वास करोगे जो संसार आपको सिखाता है? जैसे कल मैं बताया था ना, एक मनुष्य वाला प्रेम और एक ईश्वर वाला प्रेम, वैसे ही एक मनुष्य वाला विश्वास और एक ईश्वर वाला विश्वास। ईश्वर वाला विश्वास कैसा है? ईश्वर वाला विश्वास जानते हो कैसा होता है? जानते कि नहीं जानते? कौन है आंखों से देखने वाला विश्वास? हाँ, वो संसार का है। ये जो है दिल से देखने वाला, हृदय से देखने वाला, यानी कि वो जो नहीं दिखाई देता है, हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो वाला विश्वास बोलता है बाइबल का विश्वास। ये ना बोल रहे हो, अनदेखी बात में आ रहा ना समझ में कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे अय्यूब ने गलती करा, किया कि नहीं किया? किया है। पावर सब कुछ, सामर्थ
अय्यूब के पास में है, तुम अपने लिए जो बोगे वैसा ही पाओगे, है ना। और वो जो विश्वास का वो ये करता था, उसके द्वारा वो विश्वास का घेरा भी उसके में लगा हुआ था, हम पढ़ते हैं वचन, है ना। लेकिन एक जगह वो डोर ओपन कर देता है, कमजोर पड़ता है, एक जगह वो कमजोर पड़ता है जहाँ उसका बेटा और बेटी का बात आता है, और वो वहाँ पे वो डर का प्रार्थना करता है, चिंता का प्रार्थना करता है। हम लोग भी वैसे यही आते हैं, यही आते हैं ना। लेकिन आपने इस चीज को अभी समझा ना, तो क्या परमेश्वर निर्दयी है? नहीं, वो दया से भरा हुआ है। परमेश्वर ने अय्यूब के बच्चों को नहीं, उसने जो बोया कौन? अय्यूब ने, वही कहा। नो डाउट कि अय्यूब धर्मी है, लेकिन वो अडिग रहा लास्ट तक, रहा कि नहीं रहा? रहा। लेकिन उसका बोल, जो मुंह से उसने बोला, जो शब्द बोला, वो परमेश्वर के विरुद्ध में बोला, और वही चीज उसमें शैतान कार्य किया, नहीं तो शैतान उसको छू भी नहीं सकता। अच्छा एक बात बताइए, शैतान आपके ऊपर अटैक करने से पहले आपसे परमिशन लेगा क्या? नहीं है, नहीं, हम लोग गलत बोएंगे वही तो परमिशन। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं खाली एक सवाल पूछा कि शैतान आप पर अटैक करने से पहले आपसे परमिशन लेगा क्या? नहीं लेगा। तो क्या वो परमेश्वर के पास में जाकर के बोला कि हमको परमिशन दो, अभी मैं इसको ये करता हूँ, करेगा क्या? नहीं, वो आपसे परमिशन नहीं लेगा, वो अटैक करेगा सीधे। लेकिन परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का पावर, अथॉरिटी, सामर्थ्य उसने हमको दिया है, पिता परमेश्वर ने, कि हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन हम रोकने की जगह में क्या कर देते हैं? खोल देते हैं। आया समझ में? तो अय्यूब ने, परमेश्वर ने उसके कुछ हानि नहीं किया, अय्यूब ने अपने द्वारा, स्वयं अपने मुंह के द्वारा उसको निमंत्रण दिया, है ना। तो ये मत देखना कि परमेश्वर ने क्या बोलते हैं परमिशन दिया, परमेश्वर ने परमिशन नहीं दिया। वो तो जा रहा था अटैक के लिए, लेकिन देखा घेरा है, ये घेरा भी परमेश्वर का, वो जो शब्द बोलता था ना विश्वास का, वो घेरा लगा हुआ, लेकिन एक और जहाँ वो कमजोर था, जहाँ वो दरवाजा खोल दिया, उन्हीं के बच्चों के लिए खोला था, और वो अपने बच्चों के लिए खोला था, इसीलिए हानि हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आया समझ? डर से प्रार्थना करते हैं, तो बच्चों के लिए करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए इसलिए प्रार्थना करते हैं, डर का प्रार्थना। अच्छा आप लोग कभी प्रार्थना नहीं जाए, ऐसे क्यों नहीं प्रार्थना करते हो कि कभी कोई प्रॉब्लम्स आता है बच्चों में, तो हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? बच्चों प्रभु मेरे बच्चे को बचा लेना या संभाल लेना। कभी ऐसा क्यों नहीं बोलते कि प्रभु आप मेरे बच्चे के साथ में, और जब आप उसके साथ में है तो उसको कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, दैट मीन्स कुछ नहीं हो सकता। वो सत्य प्रतिज्ञा परमेश्वर है, मैं क्लियर कट बात बता दे रहा हूँ, वो जो बोला है सो बोला है, है ना। कोई वो पॉलिटिशियन नहीं है क्या सिस्टर? नहीं। कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हालेलुया, है ना। कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो पॉलिटिशियन जैसा नहीं बोलता है, वो ईश्वर, वो फेथफुल है, वो जो बोलता है करता है। क्या डर से आता है, उस पर भी आप अधिकार ले सकते हो, वो पावर भी आपको दिया हुआ है। कभी खड़ा होकर बोले हैं? कभी खड़ा होकर के आंधी तूफान थम जा बोल करके बोले हैं? क्यों नहीं बोले हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि आप विश्वास नहीं करते, जानते ही नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते हो वचन। परमेश्वर ने आपको पावर निकला। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 12, हालेलुया। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना, लेकिन ये नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या शब्द बोलना है। हाँ अब बताएंगे। योहन, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 12, ये पेज नंबर मिलेगा 170 में, नया विधान में 170 में, पेज नंबर 170 पहुंचे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में, विश्वास करता है, वह
स्वयं वे कार्य करेगा, वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, जिन्हें मैं करता हूँ वह उनसे भी महान कार्य करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये पावर आप लोगों को दिया है। अरे प्रभु यीशु ने पावर दिया है कि नहीं दिया? दिया। क्या पावर दिया आपको कि आप जो कुछ भी करेंगे, है ना, आप हर वो चीज कर सकते हैं जो प्रभु यीशु किए हैं। आपको ये पावर मिला है? मिला है। प्रभु यीशु ने स्वयं बोला ना कि मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा भाई, ये यहाँ ये वचन बोल रहा है, प्रभु को वचन बोल रहा है। क्या बोलता है कि क्या बोलता है वचन में, क्या बोलता है, वह स्वयं वे कार्य करता है जिन्हें मैं करता हूँ। तो यीशु ने आंधी तूफान को रोका कि नहीं रोका? रोका। तो आप रोक सकते हो? रोक सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन वही है, लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ जो मुझ में विश्वास करता है। अब बताइए कौन है जो ईश्वर में विश्वास करता है? आप लोग करते हो? हाँ नहीं नहीं, नहीं ये इस टाइप का जाओ ना, मैं कभी कभी करता हूँ, कभी कभी मैं छोड़ देता हूँ ये नहीं, हाँ या ना बोलिए। हाँ करते हैं ना। तो करने का मतलब है कि वो जो बोला है वैसे ही हमको कार्य भी करना है, तब आप उसके बात में आप विश्वास करते हो, नहीं तो आप विश्वास नहीं करते। आप खाली मुंह से बोलते हो, है ना, कि यीशु मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन आप उसका एक भी वचन नहीं जानते। सही है? सही है कि नहीं है? तो मतलब अगर आप उससे विश्वास करते हो तो उसके हर एक बातों को आप अक्षर सा पालन करोगे, उसका आज्ञा का पालन करोगे और उसके बात पे आप चलोगे। अगर प्रभु यीशु बोलता है कि दो तो तुमको देना पड़ेगा, आप लोग देते हो कि नहीं देते हो? सबसे छोटा नोट को समय बहुत कम, 5 मिनट सिक्का देते हैं। अच्छा सिक्का देते नहीं, देने का मतलब खाली पैसा में मत जाओ, और भी बहुत कुछ चीजें हैं। समय देते हैं बहुत कम। तो आप लोग देते हैं? बहुत कम है ना। तो फिर कैसे विश्वास कर रहे हैं भाई? यहाँ पर तो हम लोग फेल हो जा रहे हैं। अब आप बोलोगे कि प्रभु हमको तकलीफ दे रहा है, भाई आप देने के लिए तैयार नहीं हो, तो प्रभु कहाँ से तुमको देगा? यहाँ पैसा मत समझना, सिर्फ एक ही चीज नहीं, एक ही चीज का बात नहीं, यहाँ देने का मतलब प्रेम भी होता है। प्रेम दियो नहीं, वो भी नहीं देंगे, कह देंगे घटेगा नहीं घटेगा नहीं नहीं, ऐसा होता ही नहीं होता है। क्षमा भी नहीं देंगे, अरे कहे करेंगे उसको हम क्षमा? जब तक वो मेरे पास यहाँ आके नाक नहीं रगड़े तब तक हम उसको माफ नहीं करें। आप कैसा काम कर रहे हो? आप प्रभु का वचन के अनुसार कर रहे हो? नहीं कर रहे। फिर हो गया ना क्लियर? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो कैसा विश्वास कर रहे हैं? अब आप बोलोगे कि आप प्रभु से हम कुछ भी मांगते तो मिल नहीं रहा, हो गया ना क्लियर? क्योंकि आप विश्वास नहीं करते, लेकिन आपको अब विश्वास करना है, करना कि नहीं करना है? करना है ना। हाँ। तो जो कुछ भी प्रभु यीशु बोलता है उसको आपको करना पड़ेगा, तभी आप विश्वास को जानेंगे, तभी आप उस विश्वास से चलेंगे। और जब आप उस ईश्वरीय विश्वास से चलेंगे आपका जीवन में, आप बोलोगे ना आंधी तूफान को रुक यहीं पे, तो रुक जाएगा, क्योंकि आप उसमें विश्वास से भर गए। आप ऐसा मत सोचना कि आपको लगता है कि हम इसको रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं। आपको वो अथॉरिटी, वो पावर दिया है प्रभु यीशु ने, हम नहीं बोल रहे, ये वचन बोल रहा है, वो बोल रहा है कि तुमको मैं ये पावर दिया हूँ, ये अधिकार पावर दिया हूँ कि तुम इसका इस्तेमाल करो। वो पिता परमेश्वर हमको दिया है ये पावर, कोई और नहीं दिया। लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए मैंने यही बात बताया, विश्वास। अब विश्वास जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार करोगे तो सही है ना। सही।
और वो विश्वास आत्मा का विश्वास होता है, हृदय से विश्वास होता है। ये आंख देखिए, देखिए पांच सेंसेस क्या होता है, पांच इंद्री क्या क्या होता है, स्किन, पांच सेंस होता है ना, जिससे हम लोग जानते हैं कुछ भी चीज को, है ना। आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, जीभ से टेस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और स्किन से अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आया समझ में? आया ना। तो इससे विश्वास नहीं करना है हमको, विश्वास किससे करना है, हृदय से, जो हमको दिखाई नहीं देता है। वही बोला ना, मैंने बोला आपको पहाड़ क्या क्या से बना, आपने सब कुछ बोला, ईटा पत्थर बालू मिट्टी जो पेड़ पौधे सब कुछ बोला, लेकिन अगर आप विश्वास करते तो आप क्या बोलोगे, ईश्वर ने अपने शब्द से बनाया। हालेलुया, इसी को बोलते हैं विश्वास। और उसने हमको अपने जैसा बनाया, अपने जैसा, अपने इमेज एंड लाइकनेस में, अपने समरूपता में, सोच सकते हो। और वो बोलने का पावर हमको वो दिया, जैसा वो बोल करके पूरा संसार बनाया, वो पावर हमको बोलने के लिए दिया। शैतान के पास ये पावर नहीं है, उसके पास शरीर भी नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल हमारा करता है और अपना राज्य को बढ़ाता है। अय्यूब ने उसके बात में डर का जो दुष्ट आत्मा है, जिसके कारण वो डर का प्रार्थना करता था, वो क्या किया, उसके ऊपर भरा ना, और वो क्या करने लगा, वही शब्द बोलने लग गया जो उसको आंख से दिखता था, वही बोलने लग गया कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। वो आंख से देख रहा है कि मेरा ये सब कुछ खत्म हो रहा है, और वो इस बात को बोल रहा है, लेकिन वो इस बात को नहीं बोल रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरा डर है, ये मेरा भय है, शक है, चिंता है। हालेलुया, आ रहा है ना समझ में? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर ने जो अथॉरिटी, जो पावर आपको दिया है, आपको उसको जानना है। और जानोगे कैसे, सुनकर, प्रीचिंग सुनिए, टीचिंग सुनिए, और उस पर मनन कीजिए, तब आप उसको जानेंगे। नहीं तो आप उसको जब जानेंगे ही नहीं, है ना, आप मुंह से भले ही बोल दोगे। अब हमने ये नहीं बोलते हैं कि तुम प्रार्थना नहीं जानते, हम जानते हैं, यहाँ पे बेटा हमसे ज़्यादा प्रार्थना जानता है, और वो हर संडे चढ़ जाता है, लेकिन आप जाते तो हो, सब कुछ तो करते हो, लेकिन विश्वास आपका नहीं है। विश्वास आपका सिर्फ और सिर्फ इसके अनुसार होना चाहिए। और ये विश्वास क्या बोलता है, अनदेखी बातों पर। जब तुम ईश्वर के राज्य में आते हो, अनदेखी बातों, जब दिखाई नहीं देता फिर भी आप विश्वास करो। उदाहरण दूँ, उदाहरण, मेरे पास 10 रुपया है, 7 रुपया मैंने ईश्वर का राज्य में डाल दिया। ईश्वर का राज्य मतलब कि मान लीजिए कि किसी को दवाई वाई का जरूरत था, उसके लिए मैंने 7 रुपया उसको खर्चा कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा, 3 रुपये। कितना बचा, 3 रुपये। ये तुमको कौन सिखाया, संसार सिखाया, गणित सिखाया, सिखाएंगे नहीं, सही है, लेकिन ये फैक्ट है ना। लेकिन ईश्वर का विश्वास क्या बताता है आपको, यही है ना कि हमको 3 रुपये बच रहा है, मेरा यही विश्वास है कि नहीं है? लेकिन ईश्वर का विश्वास हमको बताता है कि तुम लुकस 6:38 में, लुकस 6:38, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। कुछ नहीं समझ में आएगा तो सवाल पूछ सकते हैं। 6:38 पेज नंबर है आपका 100 नया व्यवस्थान में। दबा दबा कर
हिला हिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। एक बार और हालेलुया। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर हिला हिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो इस सब पे आप लोग विश्वास करते हो? करते हो? हाँ या ना? हाँ, अगर आप विश्वास करते हो तो आप देते हो। देने का मतलब खाली पैसा मत सोचिए। देने का मतलब होता प्रेम, देने का मतलब होता समय, देने का मतलब होता क्षमा, देने का मतलब होता दया, देने का मतलब होता करुणा। क्या आप ये सब चीज़ दूसरों को देते हो? यही है ना कि हम एक पाँव इधर रखते हैं और एक पाँव इधर रखते हैं, है ना। लेकिन ईश्वर का राज्य में ये नहीं चलता। ईश्वर का राज्य में तुम पूरे इधर रहो या फिर उधर पूरे चलो। हालेलुया। है ना। हालेलुया। आ रहा ना समझ में बात? तो हमारा विश्वास ही कमज़ोर रहेगा तो हम परमेश्वर का हर प्रोमिसेस को कैसे पा सकते? पहले हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप करके तो देखो, जब आप बोल रहा है, प्रभु बोलता है कि दो और तुम्हें दिया जाएगा तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। वो प्रभु बोल रहा है, हम थोड़ी बोल रहे हैं, वचन में लिखा हुआ है। तो आप ऐसा विश्वास करके दे के देखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक बार दे के देखो, ईश्वर का राज्य में आप डाल के देखो, आपको मिलना ही मिलना। क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे, ये परमेश्वर बोल रहा है। वो बोल रहा है कि तुमको दिया जाएगा, और वो ऐसे वैसे नहीं दे रहा है। वो बोलता है दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप आपके गोद में डाल दी। वो चिंदी चोर टाइप का नहीं देगा आपको, वो आपको भर भर के देगा। वो खुले हाथ से देता है, आप संभाल नहीं पाओगे, इतना देता है। लेकिन आपने दिया, यहीं पे हो जाता है। तो सिस्टर, ये आप पहले विश्वास करना पड़ेगा, आपको पहले विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं पा सकते। आप जाओ संडे संडे चर्च, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम भी जाते हैं संडे संडे, क्षमा मत करो। लेकिन क्षमा मत करो, क्या आपका जीवन बदलेगा? आपके भाइये से आपका अनबन हुआ है और चर्च में जा करके आप वहाँ पे बोल रहे हो कि प्रभु हमको माफ कर दो। प्रभु का पहला कंडीशन, आप लोग ही हमारे पिता बोलते हो, है ना, बोलते हो ना, तो पहले क्या बोलता है? तुम पहले क्षमा करो, तुमको ऐसे ही क्षमा मिल जाएगा। कितना बड़ा पाप है ये, तो प्रभु इतना दयालु है कि तुमको क्षमा चाहिए, क्षमा करो, तुम्हारा क्षमा इसी होगा। पहला कंडीशन है। लेकिन हम वो नहीं करेंगे, प्रभु हम ये नहीं करेंगे तुम हमको क्षमा करो, लेकिन हम अपना भाई को नहीं करेंगे, हम अपना बहन को क्षमा नहीं करेंगे। तो बताओ, जब आप अपने हृदय को इतना कठोर कर दिए, है ना, लेकिन भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ये उसका प्रेम है। हमको तब भी वो संभालता है ना, वो हमसे नफरत नहीं करता। अगर वो डिसीजन निर्णय लेना रहता तो अब तक मैं खत्म होता कि नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि पहले दो प्रैक्टिस करना पड़ेगा सिस्टर, पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देना सीखना पड़ेगा,
तब तो आप जानोगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, करोगे नहीं, अप्लाई नहीं करोगे इस बात को, तो आप नहीं जानोगे। आप वचन तो जान रहे हो कि देने से मिलता है, आप वचन तो जान रहे हो, लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे हो, उसको लागू नहीं कर रहे हो। तो कोई फायदा हुआ वचन जान के? कोई फायदा नहीं। अब हम पूरा बाइबल पढ़ लिए और इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे, कोई फायदा है? जब तक हम इसमें जीवन नहीं जिएंगे, तब तक हम अपना जीवन को जो यीशु हमको देने आया दिया है वो हम जीवन नहीं पा सकते। आप कितनों हाथ पांव मार लीजिए, कितनों प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितनों आप सुबह शाम 24 घंटा प्रार्थना कर लीजिए, लेकिन आप में अगर विश्वास नहीं है तो आप ईश्वर का वो प्रोमिसेस, उस शपथ को आप नहीं पाएंगे। और वही चीज़ होता है कि प्रभु यीशु ने हम लोगों को क्या दिया है? अपना वचन दिया है, जिसमें हमको विश्वास करना है, बोलना है, वैसा करना भी है। प्रैक्टिस तो करो, पहले प्यारे देके देखो, घर में कोई नफरत करा तो फिर भी तुम प्यार देके देखो, प्रैक्टिस करो एक बार, यकीन मानो आप नहीं हारोगे, क्योंकि ये वचन बोलता है। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो उसका आप फल भी नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे, उसका रिजल्ट नहीं आपको दिखेगा, आप वैसे ही रह जाएंगे, जैसा चल रहा था वो चलते रहेगा। अभी भी तो जीवन जी रहे हो, नहीं जी रहे हो, ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन ये भिकमंगा टाइप वाला जीवन नहीं चलने वाला। प्रभु ने आपको बहुतायत का जीवन दिया, उसमें इतना अच्छा आपको सुपर नेचुरल जीवन दिया है, आप सोच नहीं सकते। लेकिन हम नहीं जानने के कारण उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे परमेश्वर ने परमिशन शैतान को नहीं दिया है ना, नहीं दिया, क्योंकि शैतान अटैक करेगा तो आपसे परमिशन नहीं लेगा कि मेरे को परमिशन दो, मैं उसके ऊपर अटैक करता हूँ, क्या मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूँ? ना, वो नहीं करेगा, वो अटैक करेगा, है ना। तो यहाँ पे वचन में लिखा है, सिखाता है, बताता है, वहाँ एक कन्वर्सेशन चल रहा है जो बात कर रहा है, ठीक है, बात कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसको कोई परमिशन नहीं दिया कि तुम उसके ये में जा करके ये करो। लेकिन अय्यूब ने जो गलती करा वो उसका हल करा, लेकिन लास्ट तक वो उसके प्रेम में यीशु परमेश्वर के ये में बना रहा। और परमेश्वर सत्य प्रतिज्ञा है, जो उसने जो कुछ भी उससे छीना गया था उसको वो डबल करके दिया। सही है, सही है कि नहीं, सही है, सही है ना, डबल दिया कि नहीं दिया? दिया। नहीं नहीं, हिसाब तो करना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं मानेंगे। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं, लिखा पढ़ना पड़ेगा, वो डबल दिया कि नहीं दिया अभी पता चलेगा, है कि नहीं, है, बताता हूँ, सही बोल रहा हूँ ना। अब परमेश्वर ने उसको डबल दिया कि नहीं दिया, तो देखना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। चलिए, निकला ये पेज नंबर 818 पुराना व्यवस्था, और पहला अध्याय में भी रहिएगा, जिससे पता चलेगा कि उसके पास क्या क्या था और क्या क्या उसको वापस मिला, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। चलिए, कौन सा नंबर पढ़ना? ये पढ़िएगा वर्स 12, 42 का 12। अच्छा, ये नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आ जाइएगा, उपसंहार में दिखिएगा, 12 को पढ़िएगा। अच्छा, 42 का ही है चैप्टर, वो 12 का पढ़ो। हाँ, 12 पढ़िए। प्रभु ने अय्यूब के पहले दिनों की अपेक्षा उनके पिछले दिनों को अधिक आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया, ठीक है। प्रभु ने अय्यूब के पहले दिनों की अपेक्षा उनके पिछले दिनों को अधिक आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद। उसके पास 14,000 भेड़े, हाँ देखो, मिला मिला, पहला में कितना था? 7,000 भेड़े था ना, तो कितना भेड़ दिया अभी? 14,000 भेड़ दिया। आगे बढ़ो, 6,000 ऊँट, हाँ कितना था पहले? 3,000 ऊँट, 3,000 बैलों की 1,000 जोड़ियाँ, हाँ बैलों की 1,000, अच्छा 500 जोड़ी था पहले, अभी कितना दिया? डबल कर दिया, 1,000, फिर उसके बाद? और 1,000 गधियाँ थी, 1,000 पहले 500 थी, अभी क्या हुआ? 1,000 गधियाँ थी, मतलब सब कुछ डबल में दिया कि नहीं दिया? दिया। अब उसका पुत्र पुत्री लोग अभी देख लेते हैं, उसके 7 पुत्र उत्पन्न हुए, पहले कितने थे? 3
सात पुत्र तीन पुत्रियां। अच्छा सात, उसके सात पुत्र उत्पन्न हुए और तीन पुत्रियां। अरे उसने पहली मतलब इसमें कितना है, मतलब प्रभु का हिसाब गड़बड़ हो गया है? नहीं 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 आगे आगे क्या आगे पढ़े पढ़िए उसको का खोज रहे हैं तो देखिए उसने। अच्छा नाम बताया। अच्छा लेकिन उसमें बोला है जो आयुब की पुत्रियों के समान सुंदर हो, बहुत सुंदर होता है, देश भर में ऐसी स्त्रियां नहीं मिली जो आयुब की पुत्रियों के समान सुंदर हो। हालेलुया। मतलब पुत्र पुत्री में परमेश्वर का हिसाब गलत हो गया। संख्या तो उतना ही है, तो बोला कि बढ़ा के दिया, आशीर्वाद करके दिया। और हम लोग देखिए कितना ऊँट था कितना ऊँट दिया, कितना बैल जोड़ी था उतना बैल जोड़ी, उसे डबल दिया। लेकिन पुत्र पुत्री में वही जाके क्यों अटका, उसको डबल क्यों नहीं किया भाई? अच्छा अपने हिसाब से। लेकिन देखो वो दे कैसा रहा, उसको देखो सब चीज को डबल करके दिया। हाँ बोली 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 बहुत सही जगह में जा रहे हैं आप। हालेलुया। हालेलुया। आया समझ में? नहीं आया थोड़ा। इसको क्लियर हो जाए। हाँ। पहुंचे एकदम सही जगह पहुंचे। आत्मा कभी मरती है? नहीं। तो उसके साथ पहले भी थे सात और तीन और अभी सात और तीन, डबल हो गए? डबल हुए कि नहीं हुए? पहले पहले आत्मा शरीर। अरे भाई आत्मा मरता है क्या? मरा ही नहीं ना। तो क्या हुआ, पहले सात थे अभी सात दिया, पहले तीन थे अभी भी तीन दिया, डबल हुए कि नहीं हुए? हुए 14। तो भैया सात बेटा और तीन बेटी, 20 थे अभी 20 हो गए? नहीं पहले 10 थे। पहले अच्छा पहले 10 थे अब 20 हुए? हुए कि नहीं हुए? हुए हुए कि नहीं हुए? हालेलुया। कैसे मानेंगे बताइए, इसमें तो लिखा नहीं है। अरे सिस्टर आत्मा मरता है क्या? कैसे नशे को हमको कैसे समझ पाए? तो यही तो समझना है सिस्टर कि प्रभु जो कैलकुलेशन करके बता रहा है हम कैसा समझते हैं, यही चीज है ना, हम कैसा समझते हैं। अच्छा, अभी देखिए। अच्छा ये लोग बोल रहे कि आत्मा नहीं मरता है, इसको हम कैसे जानेंगे? ये नहीं पूछ रहे। नहीं मैं ये पूछी कि उस समय साथ दिया था वो तो खत्म, लेकिन आपने नहीं मरा उसको हम ये नहीं जानते। अच्छा वो नहीं समझ पाए। मतलब फिर से दिया आत्मा से दिया भी तो वो गिनती में है, डबल है। तो पहले वाले भी जिंदा मतलब वो आत्मा में है, अभी भी 10 दिया तो पहले वाला अभी वाला मिलके 20 हो गए। आत्मा हुआ ना, मतलब 10 आत्मा उसको मिला, 20 हो गया, 20 आया समझ में? आया। तो परमेश्वर का कैलकुलेशन गलत नहीं, वो देने वाला है लेने वाला नहीं। जानवर का आत्मा होता है क्या? जानवर का आत्मा होता है क्या? नहीं होता। हालेलुया। इसीलिए हमको हालेलुया। आया समझ में ना कि नहीं आया? आया आया ना। तो जब परमेश्वर देता है तो अपना हिसाब गलत नहीं रखता है, वो जो देता है वो बढ़ के देता है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम समझते कुछ और है ना। बाइबल आप जब भी सीखते हो पढ़ते हो आप उसको सांसारिक ज्ञान से सोचने समझने की कोशिश मत करो, उसको आत्मा है आत्मिक रूप में उसको समझने और सीखने की कोशिश करना। हालेलुया। और जब आप आत्मा में होते हो तो आप उसके साथ एक हो जाते हो है ना। लेकिन अगर आप बॉडी में चलते हो शरीर में चलते हो अपना ये में चलते हो तो आप उससे अलग हो जाते हो। लेकिन आत्मा में जब उसके साथ होते हो तो आप उसके जैसा सोचते हो उसके जैसा करते हो, क्योंकि वो अपने इमेज और लाइकनेस में हमको बनाया है, अपने जैसा हमको बनाया है, किसी और के जैसा नहीं, अपने जैसा अपने समरूप अपने ये में इक्विवेलेंट में बनाया है। और वही पावर वही अथॉरिटी उसने हम सबको दिया है, हर एक को दिया है, सबको मिला है। बस ये है कि हम उस अथॉरिटी को अधिकार को नहीं जान पाए। लेकिन अब हम लोग जान।
अभी हम लोग सीख गए हैं। हालेलुया। इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आया ना समझ में। तो अब विश्वास को सीखना है हम लोग को, सीखना है ये विश्वास कैसे आता है, है ना। तो हम लोग जो अभी तक विश्वास करते आए थे वो मनुष्य वाला विश्वास, देख के सुन के महसूस करके उसको हम लोग विश्वास बोलते हैं, जबकि वो विश्वास ईश्वरीय विश्वास नहीं है, है ना। ईश्वरीय विश्वास कैसा होता है, जब हम वचन के अनुसार चलते हैं, है ना। जो वचन हमको बोलता है वैसा हम करते हैं तब हम ईश्वरीय विश्वास में चलते हैं, चाहे जैसे भी स्थिति हो। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, दो और तुम्हें भी दिया जाए। अब हम तो जान गए हैं कि देने से हमको और मिलेगा, सही है, सही है ना। लेकिन अगर हम नहीं देंगे, इसको हम अप्लाई ही नहीं करेंगे, तो क्या ये बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, सीधी सी बात है, नहीं बढ़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है तब हमको ये करना है। अब हम बोलेंगे कि हम भैया हम तो इतना प्रार्थना करते हैं सुबह शाम दोपहर रात, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन नहीं होने का कारण क्या है, हमारा अविश्वास, हम विश्वास करने से चूक जाते हैं। हालेलुया, है ना। और वहाँ पर अय्यूब के साथ में यही चीज़ हुई, डर का प्रार्थना कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये भी सीखा कि जीवन और मृत्यु हमारे जिह्वा के अधीन। तो भैया आपको जीवन चाहिए कि मृत्यु चाहिए? जीवन चाहिए। अब जिसको जीवन चाहिए तो मुंह से क्या शब्द बोलेगा? जीवन का शब्द बोलेगा। जीवन का शब्द क्या है? परमेश्वर का वचन, ये जीवित वचन। हाँ, उदाहरण से सीखते हैं, ठीक है। आप लोग खेती बाड़ी करते हैं? करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बीज धान बोने से पहले, है ना, कुछ धान को रखते हैं बीज के लिए, रखते कि नहीं रखते? रखते हैं, ठीक है। फिर आप लोग उस बीज को, आप लोग इतना जानते हैं कि बीज को ले जा करके हम बोएंगे तो इससे और भी पौधा उपज आता है, आता है कि नहीं आता? आता है। आप इमेजिन करते भी नहीं करते, करते कि खेत में जाते हो फिर लगाते हो, अब देखना ये धान बढ़ेगा और ये बीज आएंगे, फसल आएगा, ऐसा करते भी नहीं करते? करते हो ना। रोपते रोपते आप लोग गाना भी गाते होंगे शायद, है अच्छा फल आएगा ऐसा कुछ। हमने, हमको नहीं पता कि आप लोग क्या गाते हैं, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है हम ऐसे अंदाज करते हैं कि आदमी अगर उस जगह पर वो काम कर रहा है तो उससे संबंधित गाना भी गा रहा होगा, उससे ऐसा गा रहा होगा कि जिससे वो उसको क्या मिलेगा, फल मिलेगा, फसल मिलेगा। गाते होंगे, करते कि नहीं करते? करते हैं, करते हैं ना। आप वो चीज़ को बोलते हो, इमेजिन करते हो, कल्पना करते हो, ठीक है, आपने उसको लगा देते हो, है ना। फिर घर में आ करके आराम से सो जाते हो कि चिंता करते हो? सोते भी नहीं, सोते हैं, सोते हैं ना आराम से, कि ऐसा सोचते कि अरे यार बीज तो वो रोपाई तो करके आए हैं, अब वो सीधा खड़ा है कि नहीं, कहीं उधर ढलन गया होगा पानी में और ये हो गया होगा, जमीन में गड़ा कि नहीं गड़ा, ऐसा सोचते हो क्या? सोचते भी है, अभी जब आप बीज बो करके आए तो क्या आप एकदम से ऐसा सोचने लग जाते हो कि पता नहीं, सोचते हो क्या ऐसा? नहीं, आप ये सोचते हो ना भैया इस बार तो थोड़ा सा अच्छा खड़ा हो जाता है, तो क्या बोलते हो, लास्ट टाइम 2 क्विंटल था, इस बार 3 क्विंटल तो पक्का होगा जैसा दिख रहा है, करते भी नहीं करते? और इस बार हम अच्छा बीज भी लगाए हैं तो आप लोग बोलते हो ना कि अरे इससे तो इस बार कम से कम 2 क्विंटल बढ़ के मिलेगा, करते हो? पक्का है ना, श्योर है ना, करते हैं, करते हैं, एकदम स्वाभाविक होता है ना। आप लोग उसमें चिंता नहीं करते, है ना। और समय बीतता है, समय बीतता है, फिर एक टाइम वो धान बढ़ जाता है और वो क्या हो जाता है, पक जाता है, पकता है ना। फिर आप क्या करने जाते हो, काटने जाते हो, सही है, सही है ना। और उसके बाद खुशी खुशी लूनते हो कि रो रो के लूनते हो? खुशी खुशी, उसमें भी गाना गाते हुए इंजॉय करते हुए, करते कि नहीं करते? करते हो। और मस्त उसके बाद ला करके अपना फसल को बोते हैं, जो भी है
बेचना रहता है बेचते हो, खाना रहता है खाते हो, सही है। ठीक वैसे ही परमेश्वर का शब्द हमारे लिए एक बीज है। आया समझ में कि नहीं आया? आया। जैसा बीज आप बोगे वैसा ही आप फसल पाओगे। अगर मैंने बीज बोया चंगाई का तो चंगाई मिलना ही मिलना है। अगर मैंने बीज बोया समृद्धि का, प्रोस्पेरिटी का, तो हमको समृद्धि मिलना ही मिलना है। अगर मैंने बीज बोया सुरक्षा का, है ना, तो हमको वो मिलना ही मिलना है। अगर मैंने बीज बोया शांति का तो वो हमको मिलना ही मिलना है। जैसे आप लोग खेत में अच्छा बीज बोते हो अच्छा फसल पाने के लिए, ज़्यादा फसल पाने के लिए, वैसे ही आपको अपने जीवन में भी ईश्वर का शब्द जो बीज है इसको आपको बोना पड़ेगा। हम लोग क्या बोते हैं घर में, बच्चा लोग अगर बदमाशी करते क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप लोग बताइए? एकदम दुष्ट है, शैतान है, पता नहीं किसका गुण लिया है, होता है कि बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। अपना बाप पे गया है, उधर ही गया है, होते हैं। मम्मी लोग बोलती है कि नहीं? बोलते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं? वो ऐसे ही हरकत करता है, कैसा, शैतान जैसा हरकत करता है। आप क्या बीज बोए? बीज बोए आप अपने बच्चे के लिए, क्या बीज बोए बताओ? अच्छा बुरा बीज तो बनेगा क्या बड़ा होके बताओ? शैतान ही बनेगा ना। आपने क्या बोला उसके लिए? शैतान है, शैतान है, शैतान का होगा, वैसे ही हरकत करेगा। तब फिर बोलेंगे पता नहीं किस पे गया है, प्रभु ऐसा बच्चा कह दिए। तब हम लोग किसको दोष देते हैं? तब प्रभु की गलती है? नहीं, हमारी गलती है। हम लोग अपने सबसे गलत बीज को पत्तियां और हम तो बोल दिए तो भी वही बोलेंगे ना? आपका मुख से निकला हुआ हर एक शब्द बीज है। याद रखिए मैं क्या बोला, अच्छा बीज तो बुरा बीज भी आपका मुंह से निकल रहा है तो वो बीज भी फसल लाएगा ही लाएगा, क्योंकि ये शब्द जो है ये आत्मिक है। दिखाई देता है? हम बोल रहे हैं को किसी को दिखाई दे रहा है? अगल बगल दिखाई दे रहा है? आप सुन रहे हो ना? दिखाई दे रहा है? ये आत्मिक है। आप जो भी बोलोगे वो एक स्पिरिचुअल चीज है, आत्मिक चीज है जो खड़ा हो जाता है ना। अगर अच्छा बीज बोए हो तो उसको स्वर्गदूत लेके काम करेंगे, बड़ा बुरा बीज बोए हो शैतान उसको लेके और शैतानी काम शुरू कर देगा। अपना बच्चा के लिए आशीर्वाद वाला शब्द बोलना है। क्या बोलोगे आप अपने बच्चों को? हैं? ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ है, इसका मन ख्रिस्त का मन है, ख्रिस्त का मन है, है ना। यीशु जैसा कार्य करता है, ये आशीर्वादित है, औरों के लिए आशीर्वाद का कारण है। ये आप बोल के क्या करें? अपने बच्चे के लिए भविष्यवाणी कर रहे हो, बीज बो रहे हो। ये बहुत जरूरी है, ये करना है आप लोगों को। ये है जैसे कोई पिया हुआ है तो आप लोग क्या बोलते हैं जो पी करके आ रहा है उसको? पियक्कड़, यही ना बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? बहुत कुछ बोल देते हैं, ऐसे ही मरेगा, पी पी के मरेगा। आप क्या कर रहे हैं? गलत बीज है, श्राप। आपको श्रापित करने के लिए प्रभु ने बुलाया है यहाँ? नहीं, क्या करने के लिए बुलाया है? तो उसको क्या कैसे आशीर्वाद देंगे जो पी के आ रहे हैं उसको? और पी वही तो यीशु का। अरे उसको ये बोलो कि ये जो रास्ता में किसी को भी देख रहा, अपने ही घर का नहीं, किसी को भी आप देखो कि प्रभु यीशु का प्रेम के नशे में है, है ना। प्रभु यीशु का लहू पिया है, उसका प्रेम का नशा में है, उसके वचन से भरा हुआ है, ये बोलो ना। कि हम लोग को ये बोलना है ये पियकड़, ये मतवार पैसा बर्बाद कर रहा है, पूरा घर को बर्बाद कर रहा है। अरे आप जो बोल रहे हो वो आप ही में आएगा, फिर उसे वही होगा। तो ये है मृत्यु का शब्द, जब आप ऐसा गलत शब्द बोलते हो। और जब आप बोलते हो कि ये प्रभु यीशु का प्रेम से भरा है, उसके वचन से भरा है, है ना, आशीर्वादित है, ये जब आप बोलते हो मतलब आप उसको आशीर्वाद दे रहे। ये है जीवन का शब्द। आपको नहीं पता कि आपका ये मुंह से निकला हुआ ये आशीर्वाद वाला शब्द आपके लिए कितना अच्छा फल लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग यूं ही नहीं बता रहे, हम लोग खुद भी प्रैक्टिकल कर, हम देखिए मैं खुद पीता था, मैं पी के आता था, तो ये जब जानी इस चीज़ को सीखी तो ये मेरे लिए यही बोलते थे परमेश्वर का शब्द को इस्तेमाल करते थे, नहीं तो मेरा इससे कोई संबंध नहीं था। लेकिन हम जब सीखे जाने तो अभी हम कर रहे हैं। तो ये समय दिखता था क्या कि ये प्रवचन करेगा,
दिखता था, लेकिन मैं कल्पना करती, कल्पना से बोलती, ये ईश्वर का प्रेम से भरा है, प्रभु यीशु का लहू पिया है और उसके वचनों से भरा हुआ है, हालेलुया, यही बोलती है। आज प्रवचन हम दोनों जाके प्रवचन कर रहे हैं और सचमुच है जो मैं बोली है ना, जो विश्वास, यही तो विश्वास का शब्द है, यही है, यही है जीवन का शब्द।